कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस सिंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही आप लोगों को जानकारी हम आपको देंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ कास्ट आयरन में नजर आ रहा है, HRC CRC कॉइल की क्या स्थिति है, सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, साथ ही मेटल बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट से शुरुआत करते हैं। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पर जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार बाजारों में आप देख रहे हैं कंटिन्यू आप बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट पर आपने देखा, अगर ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो 48,000 वाला भाव लगभग 44,000 के आसपास होता हुआ नजर आया। बाजारों में गिरावट देखी गई और बाजारों में कंटिन्यूटी में आप देख रहे हैं, कंटिन्यूटी में बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट के एमएस स्क्रैप की, तो 33,300 रुपए का भाव हो गया। एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करी जाए तो कन्वर्जन रेट 11,200 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया है। तो बाजारों में आप देख रहे हैं कि जबरदस्त बाजारों में आप एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है, बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। जबकि आप अगर कास्ट आयरन की बात करेंगे तो कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 37,800 रुपए रहा, इंपोर्टेड का बाजार 38,800 रुपए पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो कास्ट आयरन में भी बाजारों में गिरावट देखी गई है, HRC CRC कॉइल में गिरावट है। बाजारों में गिरावट जिस हिसाब से बाजारों में कंटिन्यूटी बाजारों में गिरावट चल रही है, बाजारों में आने वाले समय में बाजारों में आपको एक्सपेक्टेशन बाजार स्टेबल होगा और पॉजिटिव भी होता हुआ बाजारों में नजर आएगा। आप इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके से HRC CRC कॉइल की स्थिति है। HRC CRC कॉइल में लुधियाना HRC कॉइल का बाजार 55,300 रुपये, CRC कॉइल का बाजार 61,400 रुपये रहा। जबकि गाजियाबाद HRC कॉइल का बाजार अगर हम देखेंगे तो 54,000 रुपये, CRC सीट का बाजार 60,000 रुपये, कोलकाता HRC सीट का बाजार 52,600 रुपये, CRC सीट का बाजार 58,300 रुपये पे कामकाज देखा जा रहा है। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात कर लेते हैं, रायपुर एचबी वायर में क्या स्थिति है। इससे पहले अगर हम विदेशी बाजारों की बात करेंगे तो विदेशी बाजारों में जो आज शुरुआत हुई है, आयरन और रिवर के भाव में जबरदस्त बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आया है। उसका असर यहाँ घरेलू बाजारों में देखने को मिलेगा और इंगट के बाजारों में भी आप देखेंगे कि 44,000 रुपये तक इंगट बाजार में निचले स्तर में जाता हुआ आपको दिखाई देकर चल सकता है। अब बात करेंगे रायपुर एचबी वायर का बाजार 47,700 रुपये, इस पर भी बाजारों में गिरावट देखी गई है। GI वायर का बाजार 52,900 रुपये, MS पाइप पे गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 46,500 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 45,000 रुपये पे कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं, ये जो रेट हमने बताए हैं सारे बेसिक रेट हैं, इसमें 18% GST लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। TMT की अगर स्थिति की बात करेंगे, मंडी गोविंद का TMT 49,000 रुपये हो गया है, जो ऊपरी स्तर में अगर देखा जाए तो 52,000 रुपये तक था, वहाँ से 3,000 रुपये पर टन की गिरावट देखी गई। दुर्गापुर का बाजार भी 44,300 रुपये हो गया, इंदौर का बाजार 50,000 रुपये, रायपुर TMT 45,000 रुपये, जबकि जयपुर TMT का बाजार 47,000 रुपये हो गया, मुजफ्फरनगर TMT का बाजार भी 47,800 रुपये पे कामकाज देखा गया। भावनगर का बाजार 49,000 रुपये, गाजियाबाद का बाजार 48,500 रुपये, जलना का बाजार 48,500 रुपये, पटना का बाजार 46,200 रुपये। तो बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में जबरदस्त गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा है और इसी तरीके से माहौल रहा तो और भी आप बाजारों में पैनिक की स्थिति होती हुई बाजारों में दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं स्पॉन्ज आयरन की क्या स्थिति है, स्पॉन्ज आयरन में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो स्पॉन्ज आयरन की अगर हम बात करेंगे तो स्पॉन्ज आयरन में आप देखेंगे मंडी गोविंदगढ़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 31,500 रुपये हो गया, जबकि दुर्गापुर का बाजार 27,100 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। रायगढ़ का बाजार 27,000 रुपये हो गया, जबकि रायपुर का बाजार 30,000 रुपये, राउरकेला का बाजार 26,300 रुपये। स्पॉन्ज आयरन रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल में आप जैसे कि आपको मालूम है रॉ मटेरियल में जब जब गिरावट आती है तो यहाँ पर भी उसका असर आपको फिजिकल बाजारों में फिनिश प्रोडक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है।
तो रॉ मटेरियल के साथ साथ आपको बताया किस तरीके से बाजारों में कामकाज स्पॉन्ज यार्न में जो गिरावट देखी जा रही है उसका असर आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर इसी तरीके की जानकारी रेगुलर जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और आप जैसे कि मॉर्निंग सेशन में आपको हमारे साथ जुड़ना है तो मॉर्निंग सेशन के लिए जुड़ने के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाके जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 44,000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 45,000 रुपये, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 33,000 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 34,000 रुपये देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक पे अगर देखा जाए तो लोहे बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में अगर यही कंडीशन रहती है तो बाजारों में और भी पैनिक की स्थिति बाजार में उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। लेकिन बाजारों में जो जबरदस्त बाजारों में गिरावट आ रही है, ये बाजारों में गिरावट कब रुकेगी ये देखने वाली स्थिति बाजारों में अब देखने वाली स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं मेटल बाजारों की क्या स्थिति है। तो मेटल बाजारों में कॉपर को छोड़ के सभी बाजारों में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। कॉपर का बाजार 843 रुपये 20 पैसे हो गया। MCX में फिजिकल बाजारों में भी गिरावट है। जिंक का बाजार फ्लैट ही है, जबकि लेड के बाजारों में 180 पैसे की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। फिजिकल बाजारों में लेड का बाजार स्टेबल बना हुआ है, 189 से 207 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज हो रहा है। जबकि आप देखेंगे सोने चांदी में तो सोने चांदी का बाजार 99 रुपये बढ़ के 71,683 रुपये, और सिल्वर का बाजार 88,994 रुपये, इस पर 145 रुपये की आप देख के चल सकते हैं, 145 रुपये की नरमी के साथ बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। तो चांदी का बाजारों में आप बाजारों में गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। चांदी के बाजार में आप देखेंगे कि बाजारों में आपको और भी नरमी होती हुई बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। फिजिकल बाजारों में अगर देखेंगे तो मेटल बाजारों में दबाव है, फिजिकल बाजारों में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तेजी की संभावना फिलहाल मेटल बाजारों में नहीं नज़र आ रही है। बाकी विस्तार से आपको जानकारी जाननी है तो मॉर्निंग आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, 9:30 का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जानकारी आपको दे दी हमने किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर इस हफ्ते में बाजारों में कारोबारी ट्रेंड अगर देखा जाए तो लोहे बाजार और मेटल बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और तो इसी तरीके से आप रेगुलर जानकारी जानना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि मार्केट के ट्रेंड और व्यू की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।